पीस किचन, लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का मार्केट वाले, तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही मार्केट वाले छोले भटूरे बनाती हूँ। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं छोले भटूरे। से पहले ये मैंने ओवरनाइट सोक किए हुए छोले मैं कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ, दालचीनी डाल रही हूँ और साथ में 2 क्लोव्स डाल रही हूँ। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसको मार्केट वाला टच देने के लिए मैं 1/2 कप चाय पत्ती का पानी डाल रही हूँ और अब इसको कुकर को बंद करके मैं 18 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाऊँगी। तब तक हम भटूरों को प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप्स मैदा लिया है, फिर मैंने 3/4 कप सूजी ली है, मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर एंड सॉल्ट लिया है, 3/4 कप कर्ड लिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, लूप वॉर्म वाटर लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करके डो तैयार कर लेंगे जैसे हम चपाती का डो बनाते हैं, और ढककर इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। तब तक हम अपने छोले चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली बॉयल्ड हो गए। एक बारी ऐसे मैश करके देख लेते हैं, ये हो गए हैं बॉयल, तो हम लोग अपने छोले बनाते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए मैंने अनियन पेस्ट लिया है, 2 टोमेटोज की प्यूरी ली है, 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है एंड 2 ग्रीन चिलीज एंड जिंजर ली है ऐसे काटी हुई, और मैंने जिंजर को ऐसे लंबा लंबा काट लिया है पीसेस में। और ये मैंने सारे बेसिक मसाले लिए हैं जो हर किचन में होते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, अब मैं इस पर अपना अनियन पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब हम 1/2 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये अपना कलर ताकि चेंज कर ले। हमें अच्छा खाना है तो इसको अच्छे से पकाना भी होगा। ये देखो इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। प्याज को मैंने अराउंड 5 to 6 मिनट्स अच्छे से भुना है। अब मैं इसमें अपनी टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से भुनूंगी 5 to 6 मिनट, जब तक टोमेटो हमारा ऑयल ना छोड़ दे। तो हमारे टोमेटोज अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, फिर धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर। आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें कटी हुई बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसमें अपने बॉयल किए हुए छोले डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ढककर पकाएंगे करीबन 5 से 7 मिनट तक। अराउंड 5 to 7 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को और पका सकते हैं, बट मैं इतना ही पकाऊंगी क्योंकि बाद में ग्रेवी थिक हो ही जाती है। छोले हमारे बिल्कुल रेडी हैं, इसको गार्निश कर लेते हैं ग्रीन चिलीज और जिंजर के साथ। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, हम अपने डो को दोबारा से एक बारी फिर से गूंद लेंगे और फिर हम इसके भटूरे बनाएंगे। तो अब मैंने ये मीडियम साइज का पेड़ा लिया है और अब मैं इसको रोटी की तरह पतला पतला बेल लूँगी, और साथ में ही मैंने अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें अपना भटूरा डाल दिया है, और इसको मैं ऐसे धीरे धीरे चलाऊंगी ताकि हमारा भटूरा फूल जाए। आप देखें मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी सोडा ऐड नहीं किया, ना ही छोलों में ना ही भटूरों के अंदर, फिर भी ये
क्रिस्पी और फूले फूले बन रहे हैं। हमारे भटूरे भी रेडी है और हमारे छोले भी रेडी हैं, तो अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे अनियन और ग्रीन चटनी के साथ। मजा आ गया छोले भटूरे खाके। तो गाइस आपको कैसी लगी ये इजी रेसिपी, तो आप खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर ही करें। तब तक के लिए बाय बाय।